ये लोग कहते हैं आजादी मांगते हैं, क्या हम गुलामी मांगे? आजादी ही तो मांगेंगे। और मैं इन मूर्खों को बताना चाहती हूँ कि हम भारत से आजादी नहीं चाहते, हम भारत में आजादी चाहते हैं। भारत में हंसने की, खेलने की, गलतियां करने की, सीखने की, एक दूसरे से प्रेम करने की, लड़ने की, झगड़ने की आज़ादी चाहिए हमको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपेंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इज आल्सो अगेन रिपीटेडली हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री, इट्स नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट इट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग रेप्लिकेटेड एल्सवेयर। The attack on democratic spaces, the attack to say what you want to say, even if it is different from the dominant ideology that is being forced. So I think basically it's a defense of democratic spaces in all university campuses. What is important to remember in this context is all these violent incidents are taking place in the context of a severe assault on universities. They are trying to push universities towards privatization. They are pushing the idea of autonomous colleges, that we have already seen the beginnings of it in Delhi University. And in fact, these kinds of demonstrations are aimed at disrupting the opposition to those kinds of assaults. हम चाहते हैं बाहर भी लोग ये पूछें कि अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले हम देख चुके हैं कि कैसे जो थिंकर्स हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, लिंच मॉब है अब एक हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली। तो हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ज़रूर है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक तरह से द बेस्ट माइंड्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर उन पर अटैक हो रहा है तो ये पूरा नेशन पे भी अटैक है, पूरा जो आइडिया यूनिवर्सिटी उसको ही अटैक कर रही है, क्योंकि एक इवेंट की बात नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअली जो डूसू में रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे, वो एक्चुअली एक अपना जो आइडियोलॉजी है उसको बार बार प्रमोट करें, जबकि एक जो डूसू का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसका पहले बात ये होना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे, हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे। Key demands is that the police should take action against the ABVP. They should not try to make this a balancing act and try to say, oh, but there are FIRs on the other side also. Essentially, it's a well-documented, one-sided attack by the ABVP, and it was a one-sided, open display of violence in which the ABVP was so confident that they danced on Delhi police vehicles as they unleashed that violence. Allah bol, 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 Allah bol,